हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एम स्टडी यूट्यूब चैनल। मैं अंबिका खंडेलवाल आपके लिए डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लेकर आती हूं, और वही मैं आज आपके लिए लेकर आई हूं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। हमारे जो कि हम डेली बेसिस पे यहां पढ़ते हैं उनके बारे में एक्स्ट्रा चीजेस पढ़ते हैं, उसके अलावा कुछ क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ उनका आंसर यहाँ करते हैं, अगले क्वेश्चन हम देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए हमारे पहले करंट अफेयर्स का क्वेश्चन की वो क्या है, उसके बारे में एक्स्ट्रा चीजें क्या है वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे। स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन जो कि स्क्रीन पे है। हाल ही में आवास और शहरी मामलों के जो राज्य मंत्री हैं वो कौन है जिन्होंने एक मोबाइल ऐप महरियाली लॉन्च की है जिसका उद्देश्य पेड़ लगाने और इस तरह के अन्य ग्रीन ड्राइव में सार्वजनिक जुड़ाव को प्रोत्साहित करना है। तो वो कौन से मिनिस्टर है, तो हम जो है ऑप्शन को स्किप करके देखते हैं। सुब्रमण्यम जयशंकर कौन है? सुब्रमण्यम जयशंकर है विदेश मंत्री, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, ये विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर। उसके अलावा डीवी सदानंद गौड़ जो कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उसके अलावा इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है? डीवी सदानंद गौड़ के पास स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंट की मिनिस्ट्री है। इनके पास अर्जुन मुंडा की बात करें तो झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, उसके अलावा ये सबसे युवा जो है मुख्यमंत्री बने हैं। अर्जुन मुंडा झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री रहे और अभी इनके पास जनजाति मामलों की मिनिस्ट्री है। जनजाति मामलों के मिनिस्टर है अर्जुन मुंडा इस समय। और उसके अलावा हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है, ऑप्शन नंबर 2 है, हरदीप एस पुरी, जिनको बोलते हैं हरदीप सिंह पुरी, ये जो है आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री है। हरदीप सिंह पुरी जो है आवासीय और शहरी मामलों के राज्य मंत्री है। और हमारा आंसर भी यही है कि हरदीप एस पुरी या हरदीप सिंह पुरी ने अभी हाल ही में मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है महरियाली लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? पेड़ लगाने और इस तरह के अन्य ग्रीन ड्राइव के लिए सार्वजनिक जुड़ाव को प्रोत्साहित करना यहाँ पे इसका उद्देश्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको पढ़ते हैं स्क्रीन पे और आंसर करते हैं उसका। तो हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नॉर्थ्रॉप ग्रुप मेन पेगासस एक्सएल रॉकेट पर सवार आइनोस्फेरिक कन्वेंशन एक्सप्लोरर आइकॉन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया है जिसका जो जिसे उसके वाहक मिशन जो वाहक विमान है यहाँ पे जो वाहक विमान है स्ट्राइगेजर एल 1011 जो हवा में छोड़ा गया है। तो वो कहां से इसको लॉन्च किया गया है हमसे ये पूछा गया है कि जो डैश ने एक नॉर्था ग्रुप एक जो है नॉर्थ्रॉप ग्रुप मैन पेगासस एक्सएल रॉकेट पर सवार आइनोस्फेरिक कन्वेंशन एक्सप्लोरर आइकॉन अंतरिक्षयान लॉन्च किया है जिसे उसके वाहक विमान स्ट्राइगेजर एल 1011 से हवा में छोड़ा गया है। इसे किसके द्वारा जो है लॉन्च किया गया है, किसने इसको लॉन्च किया है? इसरो ने, नासा ने, या फिर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसरो, नासा या फिर स्पेस सर एक बार ये क्वेश्चन को थोड़ा सा नीचे से ऑप्शन जूम कर देंगे, नासा, स्पेस या फिर लास्ट वाला स्पेस एक्स या फिर रोस्कोमोस किसके द्वारा जो है किस जो है अंतरिक्ष कंपनी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है? इसरो के द्वारा, नासा के द्वारा, स्पेस एक्स के द्वारा या फिर रोस्कोमोस के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स नासा, नासा द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। सर इसको वापस से एक बार वैसा कर दीजिए, नासा के द्वारा फ्रेंड्स इसको लॉन्च किया गया है। नासा के बारे में हम एक बार बात जान लेते हैं कि नासा का पूरा नाम क्या है, नासा को बोला क्या था, इसकी फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती है अक्सर कर फुल फॉर्म। उसके अलावा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कब इसे स्थापित किया गया, वो सब चीजें यहां देखेंगे। तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका पूरा नाम है। क्या है नासा का पूरा नाम? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड
स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका पूरा नाम है। उसके अलावा इसका जो हेडक्वार्टर है, जो इसका मुख्यालय है वो कहाँ है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका मुख्यालय है फ्रेंड्स वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। इसको 1958 में स्थापित किया गया था नासा को, और इसको सभी की भलाई के लिए इसका एक मोटो रखा गया था कि नासा का जो मोटो है वो सभी की भलाई के लिए है। और अभी नासा का पूरा नाम क्या है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। 1958 में इसको स्थापित किया गया था। उसके अलावा यहाँ पे अभी इसने एक रॉकेट जो है वो लॉन्च किया है, एक वाग विमान लॉन्च किया है, हवा में छोड़ा है, जिसका नाम क्या है, स्ट्राइगेजर 1011 जो है इसका नाम है, इसको लॉन्च किया गया, हवा में छोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको पढ़ते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। हमारा 2019 से 2021 के लिए भारतीय फार्मास्यूटिकल अलायंस IPA के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, किसी की अपॉइंटमेंट रही है, किसी की नियुक्ति रही है यहाँ पे किस में, IPA के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, राजेश जैन को, या फिर अरुण कुमार को, या फिर सौरभ चौधरी को, या फिर फ्रेंड्स के सतीश रेड्डी को, किसको यहाँ पे IPA का अध्यक्ष नियुक्त किया है। उसके अलावा जो है यहाँ पे नियुक्ति हुई है किसमें, IPA में नियुक्ति हुई है, तो कौन है जिसको IPA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आंसर है हमारा वो है के सतीश रेड्डी। के सतीश रेड्डी को 2019 से 21 के लिए भारतीय फार्मास्यूटिकल अलायंस यानी कि IPA फार्मास्यूटिकल अलायंस के लिए जो है अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। IPA का अध्यक्ष चुना गया है, किसे, के सतीश रेड्डी को यहाँ पे चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको पढ़ेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। अगला क्वेश्चन फ्रेंड स्क्रीन पे है, कौन सा देश उच्च चीनी सामग्री वाले अस्वास्थ्यकर पेय के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया, बनने वाला है, यानी कि कौन सा ऐसा देश है जो कि पहली बार किसी उच्च चीनी यानी कि जिनको जिनमें हाई लेवल की शुगर होती है उन वाले अस्वास्थ्यकर पेय पदार्थ जो होते हैं, पेय पदार्थों के जो विज्ञापन है उन पर प्रतिबंध लगा रहा है। तो कौन सी कंट्री के द्वारा ऐसा किया जा रहा है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया या सिंगापुर। तो फ्रेंड्स ये सिंगापुर ऐसा पहला देश बन रहा है जिसके द्वारा उच्च चीनी की चीनी सामग्री वाले जो अस्वास्थ्यकर पेय के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश सिंगापुर बन चुका है फ्रेंड्स, सिंगापुर। उसके अलावा चार कंट्रीज और है हमारे यहाँ पे। अमेरिका की कैपिटल क्या है, अमेरिका कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। करेंसी क्या है यहाँ पे अमेरिका की, डॉलर। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की जो है कैपिटल क्या है, ऑस्ट्रेलिया कैपिटल है कैनबरा, और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है, डॉलर। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है, जकार्ता, और इंडोनेशिया की जो करेंसी है वो क्या है, इंडोनेशियाई रुपया। सिंगापुर की कैपिटल क्या है, सिंगापुर सिटी। उसके अलावा सिंगापुर की जो करेंसी है वो क्या है, सिंगापुरी डॉलर। तो फ्रेंड्स इतनी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, ये चारों कंट्रीज है और चारों कंट्रीज की कैपिटल करेंसी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन से हमारे लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीज निकल के आती है जिसे हमें पढ़ना चाहिए और हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम आगे बढ़ते हुए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का उसको पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने अपनी पहली वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन विजन लॉन्च किया है, विजन, विजन का मतलब होता है फ्रेंड्स देखना, यानी किसी चीज को देखना, किसी चीज की दृष्टि के बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो ये किसके द्वारा किया गया है, निम्नलिखित में से किसने अपनी पहली वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन विजन लॉन्च किया, यानी कि पहली बार इसे लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ये तो फंड से रिलेटेड है तो इससे तो विजन का कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ये नहीं हो सकता, विश्व आर्थिक मंच ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर हमारा फोर्थ, विश्व स्वास्थ्य संगठन बचा है और यही हमारा करेक्ट आंसर है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसे इंग्लिश में बोलते हैं, और इसी के द्वारा अभी अपनी पहली वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन विजन लॉन्च की गई है। पहली वर्ल्ड विजन रिपोर्ट लॉन्च की गई है किसके द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। अब यहाँ पे कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता देती हूँ कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में जो बातें हैं वो क्या है। पहले तो WHO के बारे में हम बात करते हैं, सर ये क्वेश्चन उठा दीजिए।
WHO, इसको बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसे हिंदी में बोला जाता है। तो जो WHO है तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, उसके अलावा इसको कब स्थापित किया गया था? फ्रेंड्स, इसको 1948 में स्थापित किया गया था, इसको 1948 में स्थापित किया गया था जिनेवा में, जिनेवा में इसे स्थापित किया गया था। और जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड जिनेवा में इसे स्थापित किया गया था 1948 में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। उसके अलावा ये क्या, इसने जो है नई प्रणाली है जो लॉन्च की है उसका नाम क्या है? वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन विजन इसने लॉन्च किया, ये क्या है? यह है दृष्टि दुर्बलता। क्या है ये? दृष्टि दुर्बलता। यह है दृष्टि दुर्बलता के वैश्विक, दृष्टि दुर्बलता के वैश्विक, दृष्टि दुर्बलता के वैश्विक परिणाम पर, परिणाम पर नया डाटा प्रदान, नया, यह दृष्टि दुर्बलता के वैश्विक परिणाम पर नया डेटा, नया जो डेटा होता है वो प्रदान करने, नया डेटा प्रदान करती है। वर्ल्ड जो विजन की बात हुई है यहाँ पे, तो ये दृष्टि से रिलेटेड है, दृष्टि वर्ड यहाँ पे आया है, या दृष्टि दुर्बलता जो है उससे रिलेटेड है कि वैश्विक जो परिणाम होते हैं उसके नए डाटा प्रदान करती है, अलग अलग डाटा प्रदान करती है पर ईयर का। उसके अलावा क्या करती है? ये प्रदान करती है और विश्व स्तर पर, यानी कि वर्ल्ड लेवल पर करती है, ये पूरे इंटरनेशनल लेवल पर की जाती है, विश्व स्तर पर, विश्व स्तर पर आंखों की देखभाल, यानी कि आंखों को कैसे सेव रखा जाए उसके बारे में बात करती है। विश्व स्तर पर आंखों की देखभाल, विश्व स्तर पर आंखों की देखभाल को मजबूत, विश्व स्तर पर आंखों की देखभाल को मजबूत करने के लिए, मजबूत करने के लिए इच्छा शक्ति बढ़ाना, इच्छा शक्ति बढ़ाना, यानी कि लोगों में इच्छा शक्ति बढ़ाती है कि वो अपनी आंखों को सही रखे, उनकी सही तरह से देखभाल करें। यह दृष्टि दुर्बलता के वैश्विक परिणाम का नया डेटा प्रदान करती है और विश्व स्तर पर आंखों की देखभाल को मजबूत प्रदान, देखभाल को मजबूती प्रदान करने के लिए, मजबूत करने के लिए, करने की इच्छा शक्ति बढ़ाने, इच्छा शक्ति बढ़ाने के लिए, इच्छा शक्ति बढ़ाने के लिए जागरूकता बढ़ाती है, जागरूकता पैदा, या जागरूकता बढ़ाती है या जागरूकता पैदा करना, जागरूकता पैदा करना चाहती है। का उद्देश्य है एक तरीके से अगर हम कहें तो, कि इसका उद्देश्य क्या है, ये लॉन्च करने का, पहली बार जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये लॉन्च किया है वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन विजन, इसका मोटिव, इसका उद्देश्य यही रखा गया है कि ये दृष्टि दुर्बलता के वैश्विक परिणामों पर नया डाटा प्रदान करती है और विश्व स्तर पर आंखों की देखभाल को मजबूत करने की इच्छा शक्ति बढ़ाने के लिए जागरूकता पैदा करना चाहती है। कौन? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको 1948 में स्थापित किया गया, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जाम में कभी कभी स्टैटिक्स चीजें पूछी जाती है कि किसके द्वारा जो है यह दृष्टि का उद्देश्य रखा गया कि यह दृष्टि दुर्बलता के वैश्विक परिणाम पर नया डाटा प्रदान करती है और विश्व स्तर पर आंखों की देखभाल को मजबूत प्रदान करने की इच्छा शक्ति बढ़ाने के लिए जागरूकता पैदा करना चाहती है, और उसके अलावा जो है किसके द्वारा ही वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन विजन लॉन्च किया गया है, कौन सी संस्था है, या ये सही है, ये सब बातें ऐसे करके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट होती है, उद्देश्य भी, क्योंकि एग्जाम में इनको देकर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मुख्यमंत्री, यहाँ पे किसी मुख्यमंत्री के द्वारा ये कुछ किया गया है, क्या किया गया है वो पढ़ लेते हैं, ने YSR कांति वेलगु एक व्यापक टिकाऊ और सार्वजनिक नेत्र देखभाल योजना शुरू की है। यहां पर भी नेत्रों की देखभाल की बात की गई है, तो किस मुख्यमंत्री या फिर किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा ये किया गया है YSR
कांति वेलुगु एक व्यापक टिकाऊ और सार्वजनिक नेत्र देखभाल की योजना का शुभारंभ यहाँ पे किया गया। एक योजना यहाँ पे शुरू की गई है, पेमा खांडू या फिर YS जगनमोहन रेड्डी, सवनंद सोनवाल या प्रमोद सावंत, किसके द्वारा यानी कि किस मुख्यमंत्री के द्वारा इसे शुरू किया गया है या फिर किस राज्य के द्वारा इसको शुरू किया गया है, राज्य गवर्नमेंट के द्वारा इसको शुरू किया गया है। तो हम देखते हैं पेमा खांडू कहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। पेमा खांडू है अरुणाचल प्रदेश के। YS जगनमोहन रेड्डी हम बहुत बार न्यूज में पढ़ चुके हैं, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। सवनंद सोनवाल कहाँ के हैं, यह है असम के जो है मुख्यमंत्री है। और प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री हैं। तो ये किस राज्य के द्वारा किया गया है इस नेत्र देखभाल योजना का शुभारंभ किया गया है, तो किस राज्य के द्वारा किया गया है, आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा किया गया है। आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री कौन है, YS जगनमोहन रेड्डी के द्वारा इसे किया गया है। पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के हैं, सवनंद सोनवाल असम के हैं, प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री हैं। और ये जो योजना है नेत्र देखभाल योजना YS जगनमोहन रेड्डी के द्वारा शुरू की गई है, ये आंध्र प्रदेश राज्य में शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको पढ़ लेते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के बारे में बात आई है। RBI ने एक नई रिपोर्टिंग प्रणाली CISBI की शुरुआत की है। इस प्रणाली की शुरुआत की गई है, पर यहाँ पे क्वेश्चन अपन से पूछा गया है कि जो CISBI में सी का क्या मतलब है। ऐसे भी करके एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछे जाते हैं। अभी यहाँ पे आपसे सी दिया हुआ है, पर एग्जाम में आपसे पूछ लिया कि बी का मतलब क्या है या एस का मतलब क्या है या फिर फर्स्ट आई का मतलब क्या है या लास्ट आई का मतलब क्या है। ऐसे भी करके एग्जाम में क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाते हैं, तो हम आंसर करते हैं यहाँ पे इसका आंसर क्या हो सकता है। रिजर्व बैंक की बात है यहाँ पे, रिजर्व बैंक ने इसे लॉन्च की है, इस प्रणाली की शुरुआत की है। नई रिपोर्टिंग प्रणाली का नाम भी यहाँ पे हमें दिया गया है, CISBI इसको नाम दिया गया है। पर हमसे पूछा गया है कि इसमें सी का मतलब क्या है, करेंसी, कंपटीशन, सेंट्रल या फिर सर्टिफिकेशन, क्या इसका करेक्ट आंसर हो सकता है, इस सी का जो है मतलब क्या हो सकता है। यहाँ पे सी का मतलब है फ्रेंड्स सेंट्रल, सेंट्रल इसका पूरा मतलब जो है, सेंट्रल जो है सी का मतलब है। उसके अलावा हम CISBI का पूरा नाम देख लेते हैं एक बार कि इसका पूरा नाम क्या है। सर एक क्वेश्चन हटा दीजिए आप, CISBI का पूरा नाम क्या है, द सेंट्रल का पूरा नाम क्या हो सकता है ये देख लेते हैं। द सेंट्रल इंफॉर्मेशन, द सेंट्रल इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना का काम है, इंफॉर्मेशन को सूचना बोलते हैं। द सेंट्रल इंफॉर्मेशन, द सेंट्रल इंफॉर्मेशन, द सेंट्रल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर यानी कि पहले सी का मतलब हो गया सेंट्रल, आई का मतलब हो गया इंफॉर्मेशन, एस का मतलब हो गया सिस्टम फॉर, अब बी और आई का मतलब क्या हो सकता है यहाँ पे, बैंकिंग, फॉर बैंकिंग, क्योंकि बैंक से रिलेटेड है तो बैंकिंग वर्ड तो आना ही है। द सेंट्रल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर बैंकिंग, उसके अलावा है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसका पूरा नाम क्या हो गया है CISBI का, द सेंट्रल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अब आपसे एग्जाम में पूछ भी लिया जाए कि बी का मतलब क्या है, तो आप बता देंगे बैंकिंग इसका मतलब है, या फिर पूछ लिया जाए कि एस का मतलब क्या है, तो यहाँ पे एस का मतलब है फ्रेंड सिस्टम, द सेंट्रल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इसका नाम है यहाँ पे। उसके अलावा फ्रेंड्स एक चीज और है यहाँ पे कि इसको शुरू क्यों किया गया है, इस प्रणाली को यहाँ पे लॉन्च क्यों किया गया है, इसको शुरू क्यों किया गया है RBI के द्वारा। तो जो नई रिपोर्टिंग प्रणाली है, शहरी सरकारी बैंक है उनके लिए, राज्य सहकारी बैंक है उनके लिए, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक है उनके लिए लागू की गई है इस योजना को। CISBI जो
प्रणाली है उसे लॉन्च क्यों किया गया है आरबीआई के द्वारा, कि जो बैंक है शहरी सरकारी बैंक या फिर जो राज्य सहकारी बैंक है या फिर जिला सहकारी बैंक है उनके लिए इसको लागू किया गया है सीआईएसबीआई, द सेंट्रल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि क्या रहा है 2019 की ब्रांड फाइनेंस नेशन रैंकिंग में भारत का क्या स्थान रहा है, भारत का कौन सा स्थान रहा है या भारत को कौन सी रैंकिंग यहाँ पे दी गई है ब्रांड फाइनेंस नेशन रैंकिंग के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इंडिया को मिली है 7वीं रैंकिंग, 7th नंबर पे इंडिया को रखा गया है, पर इंडिया अगर 7th पे है तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पे कौन है यहाँ पे ब्रांड फाइनेंस नेशन रैंकिंग में, भारत का जो स्थान है वो तो यहाँ पे 7वां है, 4th, 5th, 6th नहीं, डायरेक्ट 7th यहाँ पे जो है आंसर हमारा होगा, और जो भारत की स्थान है वो यहाँ पे 7वां है, पर फर्स्ट पे कौन है? तो फ्रेंड्स पहले स्थान पे अमेरिका, शीर्ष पे अमेरिका, सेकंड पे है चीन, और थर्ड पे कौन है? थर्ड पे कौन हो सकता है? जर्मनी, थर्ड पे जर्मनी। तीसरे स्थान पे यहाँ पे जर्मनी है, फर्स्ट अमेरिका है, सेकेंड चीन है एंड थर्ड जर्मनी यहाँ पे है। तो 7th नंबर पे इंडिया की रैंकिंग रही है, फर्स्ट पे अमेरिका है, सेकेंड में चीन है और थर्ड पे जर्मनी है। अगर आपसे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए कि 2019 की ब्रांड फाइनेंस नेशन रैंकिंग में अमेरिका की क्या रैंकिंग रही है या चीन की या फिर जर्मनी की क्या रैंकिंग रही है, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि शीर्ष 3 स्थानों पर कौन रहा है, तो आंसर आपको देना है अमेरिका, चीन और जर्मनी। अगर भारत की पूछ जाती है तो भारत 7th स्थान पे यहाँ पे रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्क्रीन पे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है HIIMA केरल और हेल्थ रिकॉर्ड्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया संयुक्त रूप से फरवरी 2019 में कहां से 20वां वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं, यानी कि किस स्थान से केरल के बारे, केरल नाम यहाँ पे आया तो केरल के ही स्थान ऑप्शंस में दिए हुए हैं, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा, पूरी तरह से कंफ्यूज करेगा और आपको ऐसे ही ऑप्शंस देगा। HIIMA केरल और हेल्थ रिकॉर्ड्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया संयुक्त रूप से फरवरी में जो है 2019 में इसे शुरू करने वाला है, इसका आयोजन करने वाला है फरवरी में, ये कब से आयोजित होगा, उसके अलावा ये 20वां संस्करण है इसका, 20th संस्करण है वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन का, और ये कहाँ से आयोजित हो रहा है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा संस्करण है, कब से कब तक चालू रहा या कब होगा आयोजन, या फिर कहाँ से आयोजन होगा और क्या है इसका नाम। तो इसका नाम क्या है, HIIM, इसको इसके द्वारा किया जा रहा है HIIM केरल और हेल्थ रिकॉर्ड एसोसिएशन इंडिया संयुक्त रूप से इसे फरवरी में लॉन्च कर रहा है, आयोजित कर रहा है, तिरुवनंतपुरम, कोच्चि या फिर त्रिशूर या फिर कोल्लम, कहाँ से इसे जो है शुरू किया जा रहा है, कहाँ इसका आयोजन किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स इसका जो आयोजन है वो कोच्चि से किया जा रहा है, कोच्चि शहर से इसे आयोजित किया जा रहा है, 20वां संस्करण है, 20th संस्करण है इसका, 20वां जो संस्करण है वो कोच्चि से हो रहा है, और डेट क्या है यहाँ पे, किस तारीख से कब तक होने वाला है, यानी कि फरवरी में किस डेट को ये शुरू होगा और किस डेट को ये खत्म होगा। तो फ्रेंड्स ये 7 फेब से शुरू होगा, 7 तारीख से शुरू होगा और 8 फेब को खत्म हो जाएगा, यानी कि 8 फरवरी को खत्म हो जाएगा, 7 to 8 फेब ये चलने वाला है। और सम्मेलन का यहाँ पे विषय भी मेंशन किया गया है कि जो विषय है इसका वो क्या रहा है, 20वां संस्करण है, 7 से 8 फरवरी को होने वाला है, कोच्चि में होने वाला है, केरल के कोच्चि में होने वाला है, उसके अलावा जो इसका विषय है वो क्या है। तो इसका विषय बता देती हूं मैं फ्रेंड्स आपको, इसका विषय क्या है, इसका जो सम्मेलन का विषय है मैड्रिकन, इसका जो विषय है फ्रेंड्स वो है मैड्रिकन 2020, मैड्रिकन 2020 स्वास्थ्य, मैड्रिकन 2020 स्वास्थ्य देखभाल परिस्थिति, स्वास्थ्य देखभाल परिस्थिति,
मैड्रिकन 2020, क्योंकि 2020 में होने वाला है मैड्रिकन 2020 स्वास्थ्य देखभाल परिस्थिति की तंत्र में डेटा का मूल्य, पारिस्थितिकी तंत्र में डेटा का मूल्य। तो इसका विषय रहा है, थीम रहा है, या विषय बोल सकते हैं, इसका जो विषय है यहाँ पे क्या रहा है, 20वां संस्करण है, कोच्ची में हो रहा है मैड्रिकन 2020 स्वास्थ्य देखभाल पारिस्थितिकी तंत्र में डेटा का मूल्य। और उसके अलावा 7 से 8 फरवरी को इसको आयोजित किया जा रहा है कोच्ची, केरल के कोच्ची शहर में इसे आयोजित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है स्क्रीन पे को पढ़ते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं, हम आगे बढ़ते हैं साथ ही साथ। मूडी, इसको मूडीज भी बोलते हैं, रेटिंग एजेंसी है ये, उसके द्वारा भारत के लिए 2019 से 2020 के सकल घरेलू उत्पाद के विकास का जो अनुमान है 6.2% से कितने परसेंट तक कम कर दिया है, क्वेश्चन हमारा पूछा गया है जीडीपी को लेकर के, ग्रोथ जो हमारी होती है, ग्रोथ डोमेस्टिक जो रेट होती है उसको लेकर के, सकल घरेलू उत्पाद ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है उसको लेकर के यहाँ पे क्वेश्चन आया है, 6.2% से कितने परसेंट कम कर दी है मूडीज ने, जो ये रेटिंग है वो कितनी कर दी है, 6.0, 5.9, 5.8 या 5.7, कितने परसेंट तक कम कर दी है 6.2 से लेकर के। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो कम की गई है 5.8 कर दी गई है, 5.8% मूडीज के द्वारा इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट को कम कर दिया गया है, जीडीपी को कम कर दिया गया है, जिसको हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। उसके अलावा मूडीज एक रेटिंग कंपनी है फ्रेंड्स, और मूडीज के बारे में हम बात करें तो मूडीज का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, उसके अलावा इसे कब स्थापित किया गया था। तो फ्रेंड्स मूडीज का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट में। उसके अलावा इसे स्थापित कब किया गया था, मूडीज को 1909 में स्थापित किया गया था, 1909 इसका फॉर्मेशन ईयर है। 5.8% जो है इसने रेटिंग दी है इंडिया के लिए, इंडिया की जीडीपी ग्रोथ के लिए, सकल घरेलू उत्पाद के लिए 6.2 दी थी पहले, पर अब जो दी है वो है 5.8 दी है, मूडीज की द्वारा रेटिंग दी गई है 2019-20 की ये रेटिंग दी गई है। और क्या सकल घरेलू उत्पाद की जो है ये रेटिंग दी गई है 6.2 घटा करके कितनी कर दी गई है, 5.8 घटा 8 कर दी गई है। और मूडीज का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क यूएसए में है, और 1909 में इसे स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं स्क्रीन पे फ्रेंड्स। भारत की नौसेनाओं और किस देश की जो है सेना के साथ के समन्वित गश्ती का जो है इसका नाम क्या है, COPRAT कारपेट जो है इसका नाम रखा गया है, कि दूसरे संस्करण की शुरुआत अक्टूबर 2019 में बंगाल की उत्तरी खाड़ी में हुई है, बंगाल की उत्तरी खाड़ी में हुई है। यहाँ पे हमें कंट्री का नाम भी साथ में मेंशन कर दिया गया है, बंगाल की उत्तरी खाड़ी, तो कंट्री भी क्या हो सकती है, भूटान हो सकती है क्या, बांग्लादेश हो सकती है, या इंडोनेशिया, या फिर नेपाल, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है बांग्लादेश। बांग्लादेश और भारत की नौसेना के बीच समन्वित गश्ती कारपेट के दूसरे संस्करण की शुरुआत अक्टूबर 2019 में बंगाल की उत्तरी खाड़ी में हुई है, और बांग्लादेश में ये हो रही है, बांग्लादेश के साथ हो रही है भारत की एक्सरसाइज हो रही है, जिसका नाम कारपेट है, दूसरा संस्करण है, अक्टूबर में इसकी शुरुआत हो रही है, कब से कब तक ये जो रहने वाला है, उसके अलावा इसका उद्देश्य क्या है, ये कब शुरू हुई और इसे कब खत्म किया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये अक्टूबर में शुरू हुई है, और इसके अलावा बांग्लादेश में शुरू किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है, इसे शुरू करने का उद्देश्य क्या है, यहाँ पे ये देख लेते हैं, इसका जो मोटो है वो क्या रखा गया है, इस जो कारपेट जो हमारी दूसरा संस्करण हो रहा है एक्सरसाइज का, बांग्लादेश और भारत के बीच हो रहा है ये, जिसमें भारतीय नौसेनाओं के द्वारा और बांग्लादेश के द्वारा इसे किया जा रहा है, तो इसका जो उद्देश्य है वो क्या है फ्रेंड्स। इसका उद्देश्य यहाँ पे रखा गया है, दोनों नौसेनाओं
जो दोनों देश की नौसेनाएं, भारत और बांग्लादेश की जो सेना नौसेनाएं हैं उनके लिए है, दोनों नौसेनाओं के जो बीच में, दोनों नौसेनाओं के बीच में पारस्परिक, दोनों नौसेनाओं के बीच पारस्परिक जो है, दोनों नौसेनाओं के बीच में पारस्परिक संचार के विकास, पारस्परिक संचार के विकास और सर्वोत्तम संचार के विकास, और उसके अलावा क्या है यहाँ पे, यानी कि दोनों देशों के बीच में पारस्परिक संचार का विकास हो, उसके अलावा और क्या उद्देश्य रखा गया है, जो सर्वोत्तम प्रथाएं हैं, सर्वोत्तम सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना, सर्वोत्तम सर्वोत्तम जो प्रथाएं हैं उनको यहाँ पे साझा किया जाएगा, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना यहाँ पे इसका उद्देश्य रखा गया है। कारपेट जो दूसरा संस्करण हो रहा है अक्टूबर में शुरू हो रहा है, बांग्लादेश और भारत की नौसेना के बीच से शुरू किया जा रहा है, दोनों नौसेनाओं के बीच में पारस्परिक संचार के विकास और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना यहाँ पे इसका उद्देश्य रखा गया है। बांग्लादेश के बाद की बात आई है यहाँ पे, तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है और करेंसी क्या है, बांग्लादेश की कैपिटल है फ्रेंड्स ढाका और कैपिटल जो करेंसी है वो है टका, ढाका टका, बांग्लादेश ढाका टका, ये याद हो जाना चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछा जाता भी है। तो उसके अलावा कारपेट का जो दूसरा संस्करण है वो अक्टूबर में बांग्लादेश और भारत के बीच में होने वाला है, बंगाल की उत्तरी खाड़ी में हुई है ये, और इसका उद्देश्य भी क्या रखा गया है, दोनों नौसेनाओं के बीच पारस्परिक संचार के विकास और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना इसका उद्देश्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं, वो क्या कहता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स एक डे को लेकर के है, इंपॉर्टेंट डे है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2019 का जो थीम है वो क्या रहा है, इसका जो थीम है यहाँ पे हमसे वो पूछा गया है। तो इसका जो थीम है फ्रेंड्स वो यहाँ पे रखा गया है, क्या है ये देखते हैं, यूनिफॉर्मिंग ओवर वाइसेस वर्ल्ड जो है वर्ल्ड कंजर्वेशन, इसका जो पहला ऑप्शन है वो क्या है, यूनिफॉर्मिंग ओवर वाइसेस वर्ल्ड कंजर्वेशन, उसके अलावा दूसरा क्या है, प्रोटेक्ट वर्ड्स वी सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, थर्ड ऑप्शन क्या है, द फ्यूचर इज ओवर फ्यूचर अ हेल्दी प्लेनेट फॉर माइग्रेटरी वर्ड्स एंड पीपल, उसके अलावा जो फोर्थ ऑप्शन है वो है एनर्जी मेक इट वर्ड फ्लाई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या है कि 2019 की जो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है उसकी यहाँ पे विषय या थीम क्या रखा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, प्रोटेक्ट वर्ड्स बी सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन का जो है थीम है 2019 का वो रखा गया है। उसके अलावा जो विश्व प्रवासी जो दिवस है वो कब मनाया जाता है, पक्षियों के लिए मनाया जाता है, इसको कब मनाया जाता है, तो इसको फ्रेंड्स 12 अक्टूबर को इसको पर ईयर सेलिब्रेट किया जाता है, पूरे इंडिया में इसको मनाया जाता है, भारत जो है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, उसके अलावा भारतीय प्रवासी पक्षी दिवस भी मनाया जाता है, वो कब मनाया जाता है आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ये 12 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस इसको मनाया जाता है, और इसका 2019 का जो विषय है प्रोटेक्ट बर्ड्स बी सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, इसका थीम रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको पढ़ेंगे, उसके बारे में बातें करते हैं। तो निम्नलिखित में से किसने पोषण एटलस को विकसित किया है, यानी कि किसके द्वारा जो है पोषण एटलस को विकसित किया गया है, किन किन मंत्रालय या किन संस्थाओं के द्वारा इस पोषण एटलस को जो है विकसित किया गया है, महिला और बाल विकास मंत्रालय या फिर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट, एक और दो दोनों या फिर उपरोक्त सभी, किसके द्वारा पोषण एटलस को विकसित किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 5, यानी कि इसमें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन प्लस दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट, तीनों का हाथ है, तीनों की मिली हुई
ये पोषण एटलस को विकसित करने की संस्था चालू है। उसके अलावा इन तीनों के द्वारा इसे शुरू किया गया है, पोषण एटलस को विकसित किया गया है। यहाँ पे मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, इसकी जो मिनिस्ट्री है वो किसके पास है इस समय? यानी कि सिंपल शब्दों में मैं आपको पूछूं तो महिला एवं बाल विकास मंत्री वर्तमान में कौन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उसके अलावा इस जो पोषण एटलस है, इसको क्यों किया गया, क्यों इसको शुरुआत की गई, जो कुपोषण है उससे निपटने के लिए इसको शुरू किया गया, इसको विकसित किया गया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, विल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा इसे शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है को पढ़ते हैं, उसके बारे में हम बातें करते हैं। हमारे क्वेश्चंस आज कम से कम 15 क्वेश्चंस है, जिनमें से हमारे 10 से 12 क्वेश्चन हो चुके हैं। ये क्वेश्चन है हमारा, न्यू वर्ल्ड हेल्थ द्वारा द वैली थिएट्स सिटीज वर्ल्ड वाइल्ड इन 2019 लिस्ट के अनुरूप मुंबई का स्थान क्या रहा है? मुंबई भारत का एक शहर है या फिर महाराष्ट्र राज्य का एक शहर है? हमारे राज्य जो हमारे इंडिया है उसमें 28 स्टेट्स है, उनमें से जो महाराष्ट्र एक राज्य है, उस राज्य का एक शहर है मुंबई। तो इसमें जो है न्यू वर्ल्ड हेल्थ द्वारा द वेल ये क्या है जो वेल्थीएस्ट सिटीज वर्ल्ड वाइल्ड इन 2019 की जो लिस्ट है उसमें मुंबई का कौन सा स्थान रहा है? 7वां, 9वां, 12वां या 15वां, किस स्थान पर मुंबई शहर को रखा गया है यहाँ पे? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है मुंबई को 12वें स्थान पर रखा गया है, 12 नंबर पे है, टॉप 20 में मुंबई आया है, केवल भारत का एकमात्र शहर आया है टॉप 20 में इसमें। और उसके अलावा ये जो है ना मुंबई शहर में टोटल कितनी संपत्ति है, कितने करोड़ कितने डॉलर या कितने मिलियन जो है संपत्ति है यहाँ पे, ये चीज देख लेते हैं हम लोग। मुंबई में फ्रेंड्स 960 अरब डॉलर की संपत्ति मुंबई शहर में है, मुंबई के पास है, अकेले मुंबई शहर के पास 960 अरब डॉलर है। और जो इसकी रैंकिंग रही है वो 12 नंबर पे रही है, मुंबई शहर को 12वां स्थान मिला है। उसके अलावा दिल्ली को 22वां स्थान मिला है, दिल्ली को जो स्थान मिला है इसमें वो 22वां मिला है, पर टॉप 20 में जो है मुंबई शहर आया है, 960 अरब डॉलर की संपत्ति है, 12वें नंबर पे मुंबई को रखा गया है। और मुंबई एकमात्र शहर बना है जो इंडिया का जो कि केवल टॉप 20 में आया है। उसके अलावा अपन बात करें कि जो फर्स्ट पे है वो कौन आया है, यानी कि शीर्ष स्थान पर यहाँ पे किसे रखा गया है, तो न्यूयॉर्क सिटी को यहाँ पे सबसे ऊपर रखा गया है। न्यूयॉर्क जो न्यूयॉर्क शहर है, न्यूयॉर्क सिटी है, उसे यहाँ पे सबसे ऊपर रखा गया है। न्यूयॉर्क के पास कितनी संपत्ति है इसलिए वो टॉप पे आया है, तो न्यूयॉर्क के पास है 3.0 ट्रिलियन में है फ्रेंड्स, ट्रिलियन में जो है यहाँ पे संपत्ति है किसके पास, न्यूयॉर्क के पास। मुंबई में कितनी थी, 960 अरब डॉलर थी, पर यहाँ पे न्यूयॉर्क के पास कितनी है, 3.0 डॉलर ट्रिलियन यहाँ पे संपत्ति है न्यूयॉर्क के पास। और न्यूयॉर्क यहाँ पे फर्स्ट स्थान पे रहा है, हमारे 22वें स्थान पर जो है दिल्ली रहा है, मुंबई 12वें स्थान पर रहा है, मुंबई में 960 अरब डॉलर की संपत्ति रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसके बारे में पढ़ लेते हैं और उसका आंसर करते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, भारत किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास DHRMA धर्मा जो है गार्डियन 2019 आयोजित करेगा? तो किस देश के साथ ये सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है, जापान, फ्रांस, चीन या रूस? किस देश के साथ भारत संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्मा गार्डियन शुरू कर रहा है 2019 का आयोजित कर रहा है, तो किस देश के साथ इसे शुरू किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स ये जापान के साथ शुरू किया जा रहा है धर्मा गार्डियन जो एक्सरसाइज है वो जापान के साथ शुरू की जा रही है। जापान की कैपिटल है टोक्यो और करेंसी है येन, ये इंपॉर्टेंट चीजें होती है इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। और भारत जापान के साथ ही संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रहा है धर्मा गार्डियन 2019 शुरू कर रहा है। उसके अलावा फ्रेंड्स हमारे जो आज के क्वेश्चन है
वो खत्म हो चुके हैं करंट अफेयर्स के, पर हमारे आज के जो पांच, जो मैंने आपको कल पांच क्वेश्चंस दिए थे उनके यहाँ पे हम आंसर देख लेते हैं। उसके अलावा मैं आपको आज पांच क्वेश्चंस और दूंगी, आप उनका आंसर मुझे बताएंगे। तुम्हारा पहला क्वेश्चन था कि हमारा जो पहला क्वेश्चन था वो क्या था, वो था दुनिया का सबसे ऊंचा स्टेडियम कहाँ बनाया गया था। दुनिया का सबसे ऊंचा स्टेडियम, दुनिया का सबसे ऊंचा स्टेडियम, दुनिया का सबसे ऊंचा स्टेडियम भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में, भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में बनाया गया था। हिमाचल प्रदेश राज्य में बनाया गया था, और इसको 1843 को बनाया गया था, 1843 में ये बनाया गया था भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में। दुनिया का सबसे ऊंचा स्टेडियम था ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला है विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ है। विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वो तो फ्रेंड्स हमारा जो विश्व व्यापार संगठन है उसका मुख्यालय कहाँ है, हम ये चीज देख लेते हैं। विश्व व्यापार संगठन का जो हेडक्वार्टर है, जो मुख्यालय है, वो है फ्रेंड्स जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका जो है मुख्यालय है, इसका हेडक्वार्टर है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड है, हिमाचल प्रदेश में भारत का जो दुनिया का सबसे ऊंचा स्टेडियम बनाया गया था 1843 में। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कहाँ है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कहाँ है, तो मुंबई में है भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह जो स्थापित है दुनिया मुंबई का। भारत का सबसे बड़ा जो प्राकृतिक बंदरगाह है वो मुंबई शहर में स्थित है। अगला क्वेश्चन था हमारे फ्लिपकार्ट के सीईओ कौन है, तो फ्लिपकार्ट के सीईओ है कल्याण कृष्ण मूर्ति फ्लिपकार्ट के सीईओ है। फ्लिपकार्ट के सीईओ है कल्याण कृष्ण मूर्ति। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे वैक्सीन हीरो का जो है अवार्ड जीता गया था, किसके द्वारा जो है वैक्सीन हीरो का अवार्ड जीता गया था, तो ये थी हमारी शेख हसीना, जो कहाँ की प्रधानमंत्री है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है शेख हसीना, जिन्हें वैक्सीन हीरो का अवार्ड मिला था। अब हमारे आज के क्वेश्चंस क्या है वो देख लेते हैं, हमारे आज के क्वेश्चंस क्या है यहाँ पे वो मैं लिख देती हूँ और आपको इनके आंसर्स बताने हैं। क्वेश्चन वन है हमारा, बंदरगाहों का शहर किसे कहा जाता है। बंदरगाह का शहर यानी कि जहां पे बंदरगाह ही बंदरगाह है, बंदरगाह वाला शहर किसे कहा जाता है, बंदरगाह वाला शहर किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चंस फ्रेंड्स मैं आपको इसलिए करवा रही हूं ताकि आप पुरानी चीजें भी याद कर ले, एग्जामिनर आपसे पुरानी चीजें भी पूछ सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ओला के सीईओ कौन है। ओला जो कैब आती है उसके सीईओ कौन है, ओला के सीईओ कौन है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इसकी पूरी फॉर्म फुल फॉर्म होती है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है सीईओ की पूरी फुल फॉर्म होती है, ओला के सीईओ कौन है, हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये है। उसके अलावा जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। क्वेश्चन नंबर फोर है हमारा, दस रुपए के नोट पर
कौन सी तस्वीर छपी है? 10 रुपए के नोट पर कौन सी तस्वीर छपी है? कौन सी तस्वीर छपी है? अभी जो 10 रुपए का नया नोट आया है उस पर कौन सी जो है तस्वीर को छापा गया है? उसके अलावा हमारा आज का जो क्वेश्चन है लास्ट, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, म्यूचुअल फंड इन इंडिया एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के जो है नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इंडिया के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारे आज के 5 क्वेश्चंस ये हैं। बंदरगाह वाला शहर किसे कहा जाता है? ओला के सीईओ कौन है? जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? 10 रुपए के नोट पर कौन सी तस्वीर छपी है? और लास्ट क्वेश्चन है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के जो है नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? करंट का क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन। इन सभी के आंसर फ्रेंड्स आप लोगों को करने हैं। उसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट भी किया कीजिए और शेयर ज्यादा से ज्यादा किया कीजिए और चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और उन्हें सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू फ्रेंड्स।